I'll miss you so much. By road entry कर रहा हूँ रशिया में. Thank you so much. Next city my home. What is your name? Turvashu. For me? Yeah. Oh. I love Indian culture, religion, Shiva, the best, Sanskrit. But बार बार मेरी photo match कर आ रहे थे. Match करने रही थी क्या थी? जितने लोग भी मिल रहे हैं, सब लोग super friendly, super helpful. वाह मजा आ रहा है भाई वाकई. ईरान जैसी situation यहाँ पर भी है. Cognac, alcohol, chuchuch. So guys, अपना खाना लग चुका है. Хорошо. Хорошо. Very good. Hey guys, very good morning and welcome back to the new vlog. मेरा नाम है तुर्वशु. अभी मैं हूँ मंगोलिया की कैपिटल उलान बातर में और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं. मैं अपने गेस्ट हाउस से निकल चुका हूँ. टेम्परेचर हो रहा है -30. पिछली वीडियो में मंगोलिया की सीरीज खत्म होती है और आज मैं एक न्यू कंट्री जा रहा हूँ. जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, मैं जा रहा हूँ रशिया. अभी यहाँ से 2 मिनट बाई वॉकिंग गाना मेरा वेट कर रही है. आज मैं बाई लैंड बॉर्डर रशिया में एंटर करने वाला हूँ. जी हाँ, मैं बस ले रहा हूँ उलान बातार से उलान उड़े की. उलान उड़े पहला मेजर टाउन है नियर द रशिया एंड मंगोलिया बॉर्डर. उलान बातार से नॉर्थ की तरफ. गुड मॉर्निंग गाना, हाउ आर यू गाना? So guys, अभी मैं इंटरनेशनल बस स्टेशन जा रहा हूँ. सेंटर से अराउंड 8 किलोमीटर आउटर में है. तो टैक्सी ले लिया हूँ. गाना मेरे को ड्रॉप करेंगी. आज मैं गाना से आखिरी बार मिल रहा हूँ इस ट्रिप में. गाना, आई एम सेइंग आई एम मीटिंग यू फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ट्रिप. आई डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू मीट अगेन, बट आई होप वी मीट अगेन समवेयर. मे बी इन इंडिया, मे बी इन मंगोलिया के. सुबह के 7 सुपर हो चुकी है, फिर भी पूरा डार्क है. हमको लग रहा है सनराइज अराउंड 7:30 या मे बी 8 बजे के आसपास होता होगा. अराउंड 8 ओके. उलान बातर से उलान उड़े लगभग 650 किलोमीटर है और उलान बातर से रशिया मंगोलिया का बॉर्डर 400 किलोमीटर है. मेरे पास ऑलरेडी रशिया का वीजा है. मैंने इंडिया से ही रशिया का 30 डेज का टूरिस्ट वीजा लेके आया था. मैं लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं इंटरनेशनल बस बुक करने गया था, तो ये इसी ट्रिप की बस थी. उलान बातर से उलान उड़े 650 किलोमीटर की बस का लगा लगभग 130,000 तुगरो, इंडियन रुपी में लगभग 3,300-3,400 रुपीज के आसपास आएगा. 8 बजे के आसपास रोशनी होना शुरू होगी. उलान बातर के इंटरनेशनल बस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं. मे भी शायद यही बस हो, 2-3 बस खड़ी होगी, इन्हीं में से कोई एक होगी. दिस वन इज दिस उलान उड़े. नो, उलान उड़े. हाँ देखो भाई, उलान उड़े, उलान बतौर लिखा हुआ है. उलान का मतलब रशियन लैंग्वेज में या बुरियात लैंग्वेज में रेड होता है. बतौर का मतलब हीरो, उड़े का मतलब होता है गेट. तो हम लोग जा रहे हैं रेड हीरो से रेड गेट. ओके, शो योर पासपोर्ट. भाई बड़ा बैग नीचे स्टोर कर देता हूँ. बैरला, थैंक यू सो मच गाना. आई विल मिस यू सो मच. बाय बाय. थैंक यू. आई होप टू सी यू अगेन. Thank you. You have to take care of yourself. You are going to Russia. Yeah. You sleep again? Yeah. Okay, bye bye. Bye. लोग पहले से बैठे हुए. अच्छा, 28 नंबर कौन सा है? कहीं सेंटर है वहाँ से किनारे. ओह भाई साहब, पीछे दे दिया. ये है तो देखो भाई, इंटरनेशनल बस फ्रॉम मंगोलिया टू रशिया. खाने पीने का काफ़ी सामान ले लिया हूँ, तो खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है. ड्राई फ्रूट्स है, प्रोटीन बार है, मल्टीग्रेन कुकीज़ है. मैं तीसरी बार रशिया जा रहा हूँ और पहली बार बाई रोड एंट्री कर रहा हूँ रशिया में. पिछली बार एक्सट्रीम समर्स में गया था, इस बार एक्सट्रीम विंटर में जा रहा हूँ. और रशिया में इस बार एडवेंचर मंगोलिया से भी ज़्यादा होने वाला है. आप लोग मुझे बोलो, सोच रहा हूँ कि गाना कौन है. गाना है प्रोफेशनल टूर गाइड है मंगोलिया की. गाना का नाम भी है. गाना फिर से हाजिर हो गई. क्या हो गया? थैंक यू सो मच. बाय बाय. हाँ जी, मैं बोल रहा था 50 कंट्रीज से ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद पहली बार मैंने किसी कंट्री में गाइड लिया हूँ. तो गाना ने भी जाते जाते ये दिया यार कुछ, ये मंगोलियन स्वीट है. ये कोई ड्रिंक है? ये भी ड्रिंक है. ये कुछ मंगोलियन स्वीट है, ये भी स्वीट है. बाकी फिर बस चलने के बाद मिलते हैं. सो गाइस, बस चलते ही मैं बस में सो गया. कल रात ठीक से सोया नहीं, तो यार अभी उठा हूँ. अभी बस रुकी है. अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं. 5-5.5 घंटे हो चुके हैं. थोड़ा रेस्ट के लिए बस यहाँ कहीं रुकी हुई है. गाना ने मेरे को कुछ स्वीट और कुछ जूस दिया. मैं भी इंडिया से चॉकलेट्स लाया था, गाना को दिया था जब उनके कल घर गया था. फ्रॉम इंडिया? फ्रॉम रशिया. यस. सिटी? सिटी क्या था? बॉर्डर. यस यस, बॉर्डर. ओके, यू वर्क इन मंगोलिया? आई एम लिविंग कोरिया. कोरिया, साउथ कोरिया. नेक्स्ट सिटी माय होम, नेक्स्ट स्टेशन
Okay, your home. Mm-hmm. From Korea, you come to Mongolia, now you going your home. Yes. Zabut? Tata. Tatya? No. Tatiana. Tata. Tata? Mm-hmm. Tata. What is your name? Turvashu. First time? Yeah, first time Mongolia. You travel? All? Yeah, I travel. Where? Ulan-Ude. Ulan-Ude. Vladivostok. Mm-hmm. Yakutsk. Yakutsk? Yakutsk. Oh, very cold. Hey, bro. How are you? I'm fine. तो कहीं सभी दो रशियन मिले हैं मेरे को. मेरे लगा साथ में लेकिन दोनों अलग अलग हैं. Now you are planning to go to India. Yeah, we'll be okay. Now where will you go? I go Goa. Goa. Maybe Delhi. In India, many interesting. So guys, कुछ ऐसा कैफे है ये. यहीं पर बस रुकी है. तो गाइस अपनी चाय आ चुकी है. माय डिफॉल्ट नमक मिला हुआ है. Mongolian tea with salt. Yes. I love Indian culture. I learn religion, Shiva, the best, Sanskrit a little bit, yoga, and Jyotisha. Jyotish. It's very interesting for me, and all my soul is in this culture of India, and soon I travel. If you need any help in India, just let me know. Okay, thank you. So guys, यार अभी मैंने अपने Google Maps पे यार location ऑन करके location देखा, तो ये border यार रशिया और मंगोलिया का, मतलब कि just 2-3 किलोमीटर के बाद border है. मुझे लगा काफ़ी पहले होंगे यार, 5-6 घंटे में ही border पहुँच चुके हैं हम लोग. 400 किलोमीटर travel कर चुके हैं from उलान बाटर to border. border का नाम है अल्तन बुलाग काख्यता. इस साइड है अल्तन बुलाग और border की साइड है काख्यता. तो मैडम जो थी रशिया वाली काख्यता की थी, तो अगले टाउन पे उतर जाएंगी वो. तो बहुत जल्दी आ गए यार, 400 किलोमीटर सिर्फ 5-5.5 घंटे में कवर कर लिया. और अब border से बचेगा 250 किलोमीटर उलान उदय, यानी कि शाम तक पहुँच जाएंगे. अब देखो border crossing में formalities में immigration में कितना time लगता है, I don't know. It's first time it's Mongolian border and then Russian border. Yeah, 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 yeah. You have internet? Yeah, I have internet. You can give me Wi-Fi? Yeah, yeah, hotspot? Yes. Okay. Working? Oh, yes. Okay. Thank you. For me? Yes. Oh, lollipop. Chupa chips, okay. Thank you. Spasiba bolsho hai. भाई ये लॉलीपॉप दिया है इन्होंने. सो गाइस वापस से बस के अंदर आ चुके हैं. 5 मिनट में बस पहुंच जाएगी मंगोलिया रशिया के इंटरनेशनल बॉर्डर पे. तो वहाँ आई डोंट नो कुछ रिकॉर्डिंग में कर पाऊंगा. इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा रशिया में एंट्री करने के बाद, मंगोलिया रशिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद. सो गाइस वेलकम टू रशिया, और दुनिया के सबसे बड़े देश में आपका स्वागत है. तो फाइनली लोग रशिया के अंदर आ चुके हैं. इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है. इमिग्रेशन में भाई लगभग, क्योंकि पूरी बस का इमिग्रेशन हो रहा था ना, सब कुछ मिला के 1.5 से 2 घंटे लगे होंगे पूरे इमिग्रेशन में दोनों साइड का. अभी हम लोग उलन उड़े शहर में हैं, रशिया का पहला मेजर सिटी फ्रॉम मंगोलियन साइड. 650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 11 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए उलन उड़े. अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं. मेरे पास इंटरनेट नहीं है, सिम कार्ड कुछ नहीं है. अभी ठंड बहुत ज्यादा है. इट्स वेरी कोल्ड. इट्स नॉर्मल. मेरे ख्याल से टेम्परेचर -20 के आसपास होना चाहिए. रशिया के साथ साथ वेलकम टू साइबेरिया. जी हाँ, ये एरिया साइबेरिया में आता है, और उसके साथ साथ इसको बुरियात या रिपब्लिक ऑफ बुरियात भी बोलते हैं, क्योंकि ना रशिया में काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है, अराउंड 83 है. काफी सारे ओब्लास्ट है, रिपब्लिक्स है, क्राई है. उनमें से एक ये है रिपब्लिक ऑफ बुरियात है, जो ये रिपब्लिक है, जो रीजन है उसका कैपिटल है उलन उडे. रशिया के बुरियात रीजन और इसके आसपास काफी सारे लोग आपको मंगोलियन जैसे ही दिखेंगे. तो ये भाई उलान उड़े शहर, इसका नाइट व्यू. रोड छोड़ के सब जगह सिर्फ बर्फ है. पूरा शहर व्हाइट लेयर से ढका हुआ है. सिम कार्ड खरीद ले पहले, बिना सिम कार्ड के कोई काम हो नहीं पाएगा. तो सर जी हेल्प कर रहे हैं यार. इन्होंने तो ये भी बोल दिया मेरे घर भी चल सकते हो. नहीं, ऑलरेडी मैं यहाँ पे कहीं रुका हुआ हूँ किसी लोकल के साथ. ये देखो ये घर, आप लोगों को याद होगा इस टाइप के घर मैं आपको दिखाया करता था इरकुस्क में. ये साइबेरियन आर्किटेक्चर है, साइबेरियन डिजाइन. उसके अलावा इमिग्रेशन में यार दोनों तरफ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया गया, कुछ नहीं पूछा. बस बार बार मेरी फोटो मैच करा रहे थे. फोटो पता नहीं कि मैच करनी रही थी क्या थी. बोला कैप हटाओ, तो कैप वैप पूरा हटाया. बाल पूरे चिपके हुए थे. काफी बार फोटो मैच कराया, कोई क्वेश्चन नहीं किया. इतना इजी इमिग्रेशन था. ओ भाई, ये सबसे मेन स्ट्रीट है, मेन सेंट्रल स्ट्रीट है पूरे उलान उड़े की. इसका नाम है
लेनिन स्ट्रीट या लेनिना स्ट्रीट, बहुत लोग उसको अरबाद स्ट्रीट भी बोलते हैं, सबसे प्राइम लोकेशन है पूरे उलान उड़े की। देखो कितने प्यारा लग रहा है रोड पे, और यही स्ट्रीट पे ही कोई मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखो काफी बड़ा है। सिम कार्ड में खरीद ले रहा हूँ, ये देखो ये स्टोर ऐसा कुछ ओके सो मच कॉइंस। वापस मॉल से निकल के अरबाद स्ट्रीट पे आ चुके हैं। पिछले दो रशिया ट्रिप में मैंने सिम कार्ड लिया था, एक बार मेगाफोन का, एक बार एमटीसी का, इस बार मैं लिया वो बी लाइन का। तो तीनों ट्रिप में तीनों अलग कंपनी का। रशिया में सिम कार्ड ऑलमोस्ट सारी कंपनी के सेम ही प्राइस है, बस 50-100 रूबल का फर्क होगा। तो मैंने एक महीने का लिया है यार, 50 गीगा इंटरनेट है, 650 रूबल का पड़ा है, लगभग 750-800 रुपए का होगा। कम का भी था लेकिन इंटरनेट कम था। प्रेजेंट टाइम पे 1 रूबल = 1.2 INR चल रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैं आया था रशिया तो बराबर था रुपए रूबल। पूरी स्ट्रीट डेकोरेटेड है, दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ में लाइटिंग लगी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सब चीज के साथ साथ आप लोगों का स्वागत है सैंक्शनड रशिया में भी। जी हाँ, पहली बार हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं सैंक्शनड रशिया में। इस बार कोई भी इंटरनेशनल कार्ड, चाहे वीजा हो चाहे मास्टर कार्ड हो, रशिया में काम नहीं करने वाला है। सिर्फ रशिया के अंदर इशूड वीज़ा और मास्टर कार्ड रशिया में काम करेंगे। हर बार तो यार इंडियन कार्ड में हर जगह रशिया में इजीली यूज़ करता था, और लोकल करेंसी मेरे को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस बार ऐसा कुछ उल्टा मामला है। तो मैंने मंगोलिया से ही 1000 USD मैंने रूबल में चेंज करा लिया था। मैं रशिया में पूरा एक महीना रहने वाला हूँ, बहुत संभाल के अब यहाँ पे रूबल खर्च करने पड़ेंगे। कम पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फंस जाएंगे रशिया में, क्योंकि भाई कोई कार्ड अपना यहाँ चलेगा नहीं, कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो सैंक्शन की वजह से पहली बार थोड़ा स्ट्रगल है। और अभी पता चला यहाँ पर यार इंस्टाग्राम और कुछ सर्विसेज बिना VPN के काम नहीं करने वाली हैं, तो VPN डालना पड़ेगा फ़ोन में। कंपेयर टू अदर रशियन सिटीज, छोटा शहर है ये, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस सिटी की नहीं है, अराउंड 500,000 पॉपुलेशन है, 5 लाख लोग इस शहर में रहते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे लोग हैं, बच्चे लोग हैं, फैमिलीज हैं, यंगस्टर हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पूरा ये आइस का स्कल्पचर है, जैसे मंगोलिया में उलान बातर में सुकतार स्क्वायर पर था, वैसा यहाँ पर भी है। ओह वाह, बड़ा खूबसूरत है भाई ये तो। और चीन घर से हो ब्यूटीफुल है। ये देखो भाई आइस पे ये स्नो बोर्डिंग कर रहा है। ओ लेनिन हेड यहीं पर है। अच्छा, सामने आपको बहुत बड़ा हेड दिख रहा होगा, ये लेनिन हेड है। इसको पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लेनिन हेड बोलते हैं। कल रात मेरी फ्लाइट है, डोमेस्टिक फ्लाइट है रशिया में। 2 days बिफोर What was the temperature here? About -45. -45 temperature था यहाँ पे 2 दिन पहले, आज थोड़ी राहत है, -20 के आसपास दिखा रहा है। वो क्रिसमस ट्री, बहुत ज्यादा बड़ा क्रिसमस ट्री है भाई। ये देखो क्रिसमस को गए एक महीने से भी ऊपर हो चुके हैं। वर्ल्ड में ज्यादातर जगह पे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, बट रशिया में रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे ना नए साल से एक हफ्ते बाद क्रिसमस मनाया जाता है, 7 जनवरी को पूरे रशिया में। जहाँ मैं रुका हूँ ना वो सिटी सेंटर से अराउंड 6 किलोमीटर है। इनका जहाँ घर है वो अराउंड 10 किलोमीटर है। और अच्छी बात ये है कि मेरा लोकेशन इनके रास्ते में ही है, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। मेरे को ड्रॉप करते अपने घर निकल जाएंगे। ओ ट्रैम के ट्रैम भाई, ट्रेन भाई बोल रहे दौड़ना पड़ेगा। लेट्स सी पकड़ पाते कि नहीं, आई होप कैच कर लेना चाहिए। भाई चल मत देना मेरे बैठने से पहले। अरे 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 बच गया। ₹13 एक लोग का, यानी कि ₹15 पर राइड। सिटी में कहीं भी जाओ, 6 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर और बचा है। तो गाइस मैं जहाँ रुका हूँ नियरेस्ट ट्रैम स्टेशन पे उतर गया हूँ। प्रेजेंट टाइम पे ज्यादातर लोग रशिया आना नहीं चाहेंगे, रशियन जो है वो तो कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मंगोलिया में तो पूरे रशियंस भरे हुए हैं यार, जितने लोग भी मिल रहे हैं सब लोग सुपर फ्रेंडली, सुपर हेल्पफुल, जितने लोग रशिया में मिल रहे हैं अभी तक यार, वाह मजा आ रहा है भाई। बाकी ईरान जैसी सिचुएशन यहाँ पर भी है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, फेसबुक नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, तीनों एक ही कंपनी का है। सो गाइस अपने होस्ट के बिल्डिंग में आ चुके हैं, तो मैंने इनसे बोला कि आप चले जाओ, तो मैं बिल्डिंग तक आ गया हूँ, चला ही जाऊँगा, लेकिन जा नहीं रहे, बोल रहा है कि मैं पूरा ड्रॉप करके ही जाऊँगा। हेलो हेलो, सुबह सबसे पहले हटाने पड़ेंगे रशिंदर के अंदर जाने से पहले। हल्दर तुरशु नाइस टू मीट यू हल्दर।
ओके थैंक यू एल्दर। उनका भाई स्टोर हाउस है जो भी जैकेट रखने के लिए। ये एल्दर हैं, ये मेरे होस्ट हैं उलन उड़े में, माई होस्ट इन उलन उड़े। इनका किचन है ये। रात के 8:30 बज चुके हैं, 6:30 बजे उलन उदय पहुंच गया था। अरे भाई ये तो आते ही खाना पीना बांटने लग गया मेरे लिए। तो कुछ ऐसा ये गेस्ट रूम है अल्दर का। सी टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प। ओके सी यू टुमारो। सी यू। टैक्सी कमिंग हियर दिस लोकेशन ना। ओके ओके बाय बाय। इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी भाई। इनको इंडियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। -40 डिग्री हियर। Where's Tuyana? In US? Tuyana there, in US. In US. With my daughter. Oh, you're alone here? Yes, I'm alone. Your daughter is with her? Da. When they are coming? Oh, you go to them, to US. Now it is difficult. Russia is... Okay. Okay. Do you drink cognac? What is cognac? Cognac, alcohol. No. Maybe chuchuch. A little bit. Armenian cognac. Oh, it's Armenian. Armenian cognac. Armenian cognac. कोई alcohol है Armenian alcohol. तो उनकी wife भी हैं. उनका नाम Tuyana है. वो US में रहती हैं. उनकी you have one daughter. One daughter. तो ये देखो भाई, मंगोलिया का भी और बुरियात का भी ये national food है. बुज़ा. तो बूज भी बोलते हैं, बूजा भी इसको बोलते हैं। ये देखो ये नेशनल फूड है, इसके अंदर मीट भरा हुआ है, कुछ मोमो टाइप का है समझ सकते हो आप। एकदम चिल्ड है, फ्रोजन है ये, तो गर्म करेंगे इसको। यू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट? नो यू मेड इट इन द होममेड। ओके होममेड। हाउ इट इज? गुड। सो गाइस अपना खाना लग चुका है, दिखाता हूँ क्या है। ये बूजा है, यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल फूड, इन्होंने गर्म करके रेडी कर लिया। उसके अलावा ये एग है और ये सैलड है, ये भी कुछ सैलड है। ये राइस है, सॉस है, सोया सॉस है, ब्रेड भी है, और ब्लैक पेपर जो मैं इंडिया से लेके आया, किसी में भी डाल दो भाई थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। ये चाय है भाई, और ये मूंग दाल नमकीन इनको खिला रहा हूँ, काफ़ी पसंद आ रही है भाई। इनको इतनी पसंद आ रही है, बार बार मूंग दाल नमकीन ही खा रहे हैं। खराशो तो फिर ये डिनर करते हैं। ये अपना बेड है, एक्चुअली ये सोफा सेट था, तो ये एक्सपेंड होके ये बेड बन गया है, तो पूरा बेड तैयार हो गया है, इस पे सोते हैं। फिर आप लोगों को कल मॉर्निंग में मिलते हैं फिर।